हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, जो आप बोलोगे मैम हम लोग को तो पता ही है ये चीज, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। क्या हमारी बॉडी फंक्शन कर सकती है विदाउट ब्लड सर्कुलेशन? नहीं कर सकती ना, ये सब को ही पता है ये चीज। तो वही चीज मैं बोल रही हूँ, जिस तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर सकती विदाउट ब्लड सर्कुलेशन, क्या वैसे ही बिजनेस चल सकता है विदाउट फाइनेंस? नहीं चल सकता ना। तो फाइनेंस किसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए फाइनेंस एक तरीके से ब्लड हुआ। तो वही आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस मींस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हम बोलते हैं कि हमें फाइनेंस को क्या करना है, मैनेज करना है, हमारे पास मैनेजमेंट होना चाहिए फाइनेंस का, उसे बोला जाता है फाइनेंस मैनेजमेंट। अगर मैं बात करूं डेफिनेशन की, तो प्रोफेसर किम्बल इसने क्या बोला, इट मींस एक्विजिशन ऑफ फंड, इट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एप्रोप्रिएट अलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम बोलते हैं एक्विजिशन ऑफ फंड, मतलब मैंने ये फाइनेंस कहाँ से अक्वायर किया है, मुझे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, फंड की जरूरत है, तो मैं कहाँ से अक्वायर करूँ? मेरे पास डिफरेंट सोर्सेज है, लेकिन मैं अक्वायर कहाँ से करूँ? जहाँ मुझे चीप रेट में पैसा मिलेगा, जहाँ मुझे चीप रेट में क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। तो दैट इज एक्विजिशन ऑफ फंड। हमारे पास बहुत सोर्सेज है, मैं बैंक से लूं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लूं, या कंपनी है तो वो क्या करेगी, क्या शेयर्स इशू कर दे, प्रिफरेंस शेयर्स इशू कर दे, क्या इशू करे, डिबेंचर्स इशू कर दे। तो बहुत सारे क्या होते हैं हमारे पास इस केस के अंदर, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो कौन सा सोर्सेज यहाँ मैं एडप्ट करूँ, उसके बाद मैं ये कैसे उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करूँ, मतलब सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन, 10 जगह मुझे वो पैसा लगाना है, कहाँ कहाँ मैं लगाऊं, तो उसका अलोकेशन भी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए कि अगर मैंने फंड यूज किया है, मैंने फंड कहीं से लिया है, तो उसका अलोकेशन अच्छी तरीके से हो जो मुझे ऑप्टिमम प्रॉफिट दे। तो दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इज एक्विजिशन ऑफ फंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एंड इट्स एप्रोप्रिएट अलोकेशन। नाउ सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिवन, वो हम देखते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हमें दी हुई है। दैट इज फर्स्ट वन इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट, हम बोलते हैं अगर बिजनेस करते हैं तो हमें हर चीज का मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैं परचेज का मैनेजमेंट करूंगी, सेल्स का मैनेजमेंट करूंगी, अकाउंटिंग का करूंगी, तो क्या मुझे फाइनेंस का नहीं करना पड़ेगा? अगर मैनेजमेंट करना ही नहीं पड़ेगा तो क्या हमारा बिजनेस सक्सेस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो वही चीज है, ये एक तरीके से क्या है, ये ब्रांच है मैनेजमेंट की। देन नेक्स्ट इज वाइड स्कोप। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप वाइड है, क्या सिर्फ ऐसे हो सकता है मुझे सिर्फ फाइनेंस अक्वायर करना है और यूटिलाइज करना है? नहीं, मुझे अक्वायर करना है तो मैं कहाँ से अक्वायर करूँ, इतने सोर्सेज से कहाँ से करूँ? मैं सोर्स अक्वायर मैंने कर लिया है, उसके बाद ये फंड मुझे कहाँ कहाँ लगाना है, कैसे इसका अलोकेशन करना है, कौन से डिपार्टमेंट्स में देना है, तो इसका स्कोप क्या होगा, बहुत वाइड होगा। बेस ऑफ मैनेजेरियल डिसीजन, मैनेजमेंट के जो भी डिसीजन है, प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, मार्केटिंग करना है, रिसर्च करना है, तो इन सब का बेस किस पे टिका हुआ है, फाइनेंस पे। अगर फाइनेंस होगा ही नहीं तो क्या आगे की प्रोसेस हो पाएगी, क्या मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे पास फाइनेंस होना चाहिए रिलेशन विद फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस में क्या आ जाएगा, जैसे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करना है, मुझे डिविडेंड पे करना है, तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें किससे रिलेटेड है, फाइनेंशियल डिसीजन से। तो इस केस के अंदर क्या होगा, मुझे फाइनेंस अक्वायर तो मैंने कर लिया, लेकिन मुझे फाइनेंशियल डिसीजन अगर लेने हैं तो मुझे देखना पड़ेगा मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, मुझे डिविडेंड कितना देना है, कितनी सैलरीज देनी है, ये सब रिलेटेड होगा किससे, फाइनेंस से। गोल ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओनर्स इकोनॉमिक वेलफेयर, इसका क्या मतलब हुआ, हम बोलेंगे, अब बोलोगे मैम बिजनेस का गोल तो प्रॉफिट ही होता है। वही चीज है कि अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप करोगे तो क्यों करोगे, कि आप चाहोगे इस तरीके से हम मैनेज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या अर्न कर सकते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं और हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है ना, तो ये गोल हमारा अचीव होना चाहिए, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
प्रॉफिट और वेल्थ में डिफरेंस क्या है वो हम आगे डिटेल में देखेंगे। देन की पोजीशन, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की पोजीशन तो होगा क्या, इसके बिना बिजनेस चलेगा? तो सारे की डिसीजंस डिपेंड किस पे रहेंगे? फाइनेंस पे। इसीलिए क्या है, ये की पोजीशन है। रिलेशन विद अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रोडक्शन हो गया, सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, तो इन सब का लिंक तो होगा ही ना एक दूसरे से। तो फाइनेंस तो एक तरीके से हम बोलेंगे हाँ सब चीजों में लिंक करेगा, तो इसका रिलेशन तो हर जगह से हुआ, राइट? तो इस तरीके से ये बोल रहा है अदर एरियाज ऑफ मैनेजमेंट के साथ भी इसका क्या है, रिलेशन है। एंड डिविजन इंटू टू पार्ट, डिविजन इंटू टू पार्ट में हम क्या देखेंगे, दैट इज जो हमारे पास फाइनेंस है, एक डिवाइड होगा फिक्स कैपिटल में और एक डिवाइड होगा वर्किंग कैपिटल के अंदर। फिक्स कैपिटल हम क्या बोलेंगे, जब हम बोलते हैं हमें फिक्स असेट्स अक्वायर करना है, उसमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो फंड लगाते हैं, उसे बोला जाता है फिक्स कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल जो हमारे डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डे टू डे हम जो खर्चे करते हैं, उसको बोला जाएगा वर्किंग कैपिटल। और आगे हम इस टॉपिक को डिटेल में देखेंगे। तो ये सब चीजें हमने क्या देखी, ये सब हमने एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स इसके देख लिए। अब इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत इजी एक मेमोरी टेक्निक बनाई है। आप बोलोगे मैम ये मेमोरी टेक्निक तो अपने शेपर्स का प्रमोशन किया है। हाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जस्ट जोक बेटा, ये सिर्फ मैंने एक आपको लर्निंग के लिए, क्या बहुत जल्दी आपको याद हो जाए, इसीलिए दिया है। तो देखो इसमें शेपर्स का नाम तो मैंने लिखा है कि ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, लेकिन कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। देखो मेमोरी टेक्निक एक छोटी सी स्टोरी टाइप्स है, शेपर्स की ब्रांच, ठीक है? ब्रांच आ गया अपना, ये मैंने कैप्स में लिखा है, तो ये कवर करेगा अपना यहाँ पे, डेट इज ब्रांच ऑफ मैनेजमेंट। टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स अपना ये कवर हो गया, जिसका स्कोप बहुत वाइड है, जिसका स्कोप बहुत वाइड है, स्कोप बहुत वाइड में अपना ये कवर हो गया। वहां की फाइनेंशियल डिसीजंस, की फाइनेंशियल डिसीजंस कवर, टू पॉइंट्स की एंड हियर कम्स फाइनेंशियल डिसीजंस। लेते हैं शेपर्स के छोटे मैनेजर, और मैनेजेरियल डिसीजंस कवर हो गया ये पॉइंट, जो कि लेते हैं बड़े मैनेजर। और दोनों पब्लिक रिलेशन मेंटेन करते हुए, पब्लिक रिलेशन, सो रिलेशन कवर दिस पॉइंट, करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं, अपने गोल को, गोल इज कवर दिस पॉइंट। तो ये क्या हो गया, हमारे पूरे यहाँ पे 8-9 पॉइंट्स जो थे वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए। दैट इज शेपर्स की ब्रांच दो पार्ट्स में डिवाइड है, जिसका स्कोप बहुत वाइड है। वहां के की फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं शेपर्स के छोटे मैनेजर, और मैनेजेरियल डिसीजंस लेते हैं बड़े मैनेजर, और दोनों पब्लिक रिलेशन मेंटेन करते हुए अपने गोल को अचीव करते हैं। क्लियर? ये बहुत इजी मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, शायद या होपफुली आपको ये जल्दी लर्न हो जाएगा। देन नेक्स्ट मूव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, देयर आर टू ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब ये बोलोगे आप मैम ये तो सब बिजनेस का ही रहता है, तो वही चीज यहाँ पे है कि हर एक बिजनेस कंपनी सोचती है कि मेरा ऑब्जेक्टिव वो प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रॉफिट अचीव कर सकूं। तो उसी में अगर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अचीव होगा तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा हम डिविडेंड दे सकते हैं। कंपनीज ये सोचते हैं, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट क्यों करते हैं, कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड मिले। तो वही कंपनी का भी ऑब्जेक्ट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स को दे पाएंगे। अगर हम शेयर होल्डर्स को नहीं देंगे तो जो लोग इन्वेस्ट करें वो भी निकल जाएंगे। तो हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है कि ताकि हम शेयर होल्डर्स को ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दे, और शेयर होल्डर ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हो सके। एंड नेक्स्ट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज जो हम बोलते हैं कि आज की वैल्यू क्या है, आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मैंने आज तक कितना पैसा कमा लिया, कैश फ्लोज। अगर हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो मैं बोलती हूँ यार 10 साल तक मैं इतना इतना अर्न कर सकती हूँ, उसकी आज वैल्यू कितनी है, डेट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो हम बोलते हैं एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैं निकालूंगी आज कितनी हो रही है, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। कि आज की वैल्यू क्या है, आगे नेक्स्ट 10 इयर्स में जब मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगी, मैं सोचूंगी 10 साल तक मैं इतना कमा लूंगी, तो मेरा आज का ये इतना प्रॉफिट, सॉरी नेट प्रेजेंट वैल्यू इतना क्रिएट हो जाएगा। आई चीज समझ? और उसमें से मैं कर दूंगी माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि स्टार्ट जब हम बिजनेस करते हैं तो मैंने क्या क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो उससे क्या निकल जाएगी, हमारी वेल्थ। वेल्थ में आज तक की वैल्यू क्या है। जब हम प्रॉफिट की बात कहते हैं तो प्रॉफिट क्या होता है, हर साल चेंज होगा,
प्रॉफिट में बोलूंगी, एक साल प्रॉफिट हुआ, नेक्स्ट ईयर लॉस हुआ, तो चेंज होता रहता है, आता ही जाता है आता ही जाता है। लेकिन वेल्थ जो हम बोलते हैं हमने आज तक क्रिएट कर ली, दैट इज वेल्थ। और यहाँ पे इसका मतलब कैश फ्लो से दिया हुआ है कि आपने प्रॉफिट नहीं, आपका कितना कैश फ्लो हुआ है उसे बोला जाएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, कि आपने आज तक का कितना आपका कैश फ्लो अर्न हुआ है, या आप प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो तो उससे आप आज की वैल्यू निकालोगे कि आगे 10 साल तक मैं इतना कैश फ्लो अर्न कर लूंगी तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर? तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। देन नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब क्या यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिए हुए, क्या है वो? एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल नीड्स। अगर मैंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया तो मैं क्या करूंगी, मैंने एक एस्टिमेट कर लिया कि भाई मुझे तो यहाँ पे कितना, मुझे 1 करोड़ अमाउंट चाहिए और मैंने बैंक से ले लिया, जबकि जरूरत मुझे थी 80 लाख की। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 20 लाख का डिफरेंस आ गया। अब 20 लाख पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फालतू का इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल। तो इसीलिए ये जरूरी है। क्यों जरूरी है, हम वही चीज देख रहे, इंपॉर्टेंस क्यों है? क्यों? क्योंकि अगर एक तरीके से मैनेजमेंट नहीं करूंगी तो मैं कोई भी अमाउंट लोन पे ले लूंगी और जिससे क्या होगा, मेरा एक तरीके से एक्सपेंस इंक्रीज हो जाए। मुझे अगर मैं मैनेज करूंगी तो मुझे पता रहेगा मुझे 80 लाख की जरूरत है, तो मैं 80 लाख से क्रिएट करूंगी, 80 लाख का ही लोन लूंगी, इंटरेस्ट उतने पे ही दूंगी। लेकिन अगर नहीं मैनेजमेंट करूंगी तो 80 के अलावा मैं 1 करोड़ का यहाँ पे लोन लेके बैठ गई और मुझे इंटरेस्ट एक्सपेंस देना पड़ेगा। क्लियर? तो ये था हमारा कि हमें एस्टिमेशन फाइनेंशियल नीड्स में हेल्प करेगा। अक्वायरिंग फाइनेंस। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो हम ये देखते हैं, 10 जगह मैं पूछती हूँ कि मुझे कितना, कौन सा अफोर्डेबल होगा, SBI में कितना इंटरेस्ट है, HDFC में कितना इंटरेस्ट है, दूसरे बैंक्स में कितना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किस पे देगी। तो ये अगर मैनेजमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा ना कौन सा सोर्स हमें चीपेस्ट पे पड़ रहा है, अफोर्डेबल पड़ रहा है और मेरे लिए भी सही कंडीशंस दे रहा है। सो दैट इज अक्वायरिंग फाइनेंस। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम मैनेजमेंट करते हैं तो सिर्फ ऐसा है कि मैं वो फाइनेंस लेके आ गई, मैंने फंड तो ले लिए लेकिन कंट्रोल ही नहीं करूंगी उनसे, तो क्या वो सक्सेस हो पाएगा मेरा? नहीं। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। हमने प्लान कर लिया लेकिन अब उसे कहाँ किस तरीके से लगाना है और वो सही ढंग से लगा या नहीं फंड, वो हमें देखना पड़ेगा, डेट इज प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। मेंटेनिंग लिक्विडिटी। अगर हम फाइनेंस मैनेज करते हैं तो उस केस में मैं बोलूंगी हमेशा मेरे पास फाइनेंस रहेगा, हमेशा एक लिक्विडिटी मनी रहेगी। लिक्विडिटी मतलब हमेशा मेरे पास कुछ ना कुछ बैलेंस होना चाहिए कैश में, दैट इज लिक्विडिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, व्हाट इट मींस कि हमें कौन से डिपार्टमेंट्स को मुझे कितना अमाउंट देना है, प्रोडक्शन है, सेल्स है, मार्केटिंग है, अकाउंटिंग है, मैं पहले से उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, आपका बजट है, इस बजट में आपको क्रिएट करना है जो भी आप क्रिएट कर रहे हो। सो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। ये हम कब करेंगे, जब मैनेजमेंट है तो ही हो पाएगा ये, नहीं तो कोई भी डिपार्टमेंट कितने भी अमाउंट मांग लेगा हमें पता ही नहीं है ना, तो ये जरूरी है। मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स। अब करंट असेट्स मतलब जैसे हम बोलते हैं कि बिल रिसीवेबल हो गया, डेटर्स हो गया, दैट इज ऑल करंट असेट्स है ना, हमारे डेटर्स हो गए, हमारे बिल रिसीवेबल हो गए, तो इनको मैनेजमेंट करना, यहाँ से पैसा आएगा तो वो पैसा कहाँ लगाना है, करंट असेट्स मतलब जहां से पैसा आ रहा है तो वो पैसा कहाँ लगाना है मुझे, तो वो भी कौन मैनेज करेगा, दैट इज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम जो अर्न हुई है, हमें पता है इनकम का एक पार्ट जाता है डिविडेंड में, राइट? हम एक देते हैं डिविडेंड के अंदर, और एक होता है हमारा रिटेन अर्निंग्स, होता है हमारा रिटेन अर्निंग्स। ठीक है, तो डिविडेंड कितना देना, कितना मुझे रिटेन करना है, रिटेन मतलब कंपनी में मुझे बिजनेस में कितना पैसा यहाँ पे सेव करके रखना है कि आगे फ्यूचर में काम आए। तो वही चीज हम मैनेजमेंट करके देखेंगे कि डिविडेंड ज्यादा बांटना है या कम बांटना है, या मुझे फ्यूचर में सेविंग्स की जरूरत है तो उसके अकॉर्डिंग हम रिटेन करेंगे। तो ये भी एक हम मैनेजमेंट करके चलेंगे तो वो पॉसिबल होगा। देन फाइनेंशियल डिसीजंस, वही इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, कितना पे करना है, किसको क्या देना है, वो सब पॉसिबल कब होगा, जब हम एक अच्छा फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे। एंड लास्ट इज रेजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस। देखो अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो उस केस में आप क्या करोगे, हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है, हमें छोटा मोटा बैंक लोन लेके रखा है वो पेमेंट करना है, तो अगर मैं उनके ड्यू डेट्स में पे कर दूंगी वो मैं कब कर पाऊंगी, जब मेरा मैनेजमेंट अच्छा है। मेरा मैनेजमेंट ही अच्छा नहीं तो क्या मैं दे पाऊंगी उनको ड्यू डेट्स पे? नहीं दे पाऊंगी। अगर मैं उन्हें ड्यू डेट्स पे दे दूंगी अमाउंट तो उस केस में मेरी क्रेडिट एबिलिटी बढ़ेगी, सामने पार्टीज पे, सामने वाली पार्टीज मुझ पे भरोसा कर सकेगी और मैं लाइबल हो जाऊंगी उस केस के अंदर कि कभी भी मैं उनसे क्रेडिट पे ले सकती हूँ। तो इस तरीके से मैनेजमेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा बिजनेस के केस में, कंपनीज के केस में। क्लियर है? तो ये हमने देखे कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन फाइनेंशियल डिसीजंस,
जो हमने आगे भी देखे कैरेक्टरिस्टिक्स और में कि फाइनेंशियल डिसीजंस मतलब डिसीजंस रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। अब इन्वेस्टमेंट्स में क्या डिसीजंस हम ले सकते हैं कि हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, फिक्स्ड एसेट्स में मैं अगर इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ तो मुझे रेट ऑफ रिटर्न कब कैसे मिलेगा, कितना मुझे प्रॉफिट होगा। देखो इन्वेस्टमेंट एक बड़े हम बोलते हैं अमाउंट में होता है, तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें 10 चीजें सोचनी पड़ेगी, जैसे कि कितने कैपिटल चाहिएगी, कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, कितना मुझे कैश फ्लो उससे मिल पाएगा, कितना रिस्क है, कितना हमारा इकोनॉमिक लाइफ है इन्वेस्टमेंट का और कितना वो इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज है इन्वेस्टमेंट मतलब फिक्स्ड असेट्स और बड़े बड़े चीजों में कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको ये फैक्टर्स देखने पड़ेंगे, फिर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। फाइनेंसिंग इट्स ऑल अबाउट द फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स, हमें डिविडेंड्स कैसे देना है, हमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए देना पड़ेगा। कि फाइनेंस अगर मैं बात करूं इंटरनली, तो इंटरनली हमें क्या हो गया कि हमें डिविडेंड कितना पे करना है, हमें सैलरीज कितनी पे करनी है, ये सब चीजें हो जाएगी इंटरनल। और एक्सटर्नल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो वही चीज है, सप्लायर्स को हमें कैसे पेमेंट करना है, हमें बैंक में कैसे पे करना है, ये सब चीजें फाइनेंशियल रिलेटेड आ जाएगी। दैट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे होंगे। देन लास्ट इज डिविडेंड। अब डिविडेंड रिलेटेड हम क्या बताएंगे कि डिविडेंड मैंने आपको बोला कि प्रॉफिट का एक पार्ट जो होता है वो जाता है डिविडेंड को, एंड नेक्स्ट पार्ट जो होता है वो कहाँ जाता है हमारा रिटेन प्रॉफिट्स में। तो अब डिविडेंड रिलेटेड मुझे देखना पड़ेगा कितना डिविडेंड दूं, क्या मुझे फ्यूचर में कुछ ऐसे इश्यूज है कि मुझे यहाँ पे डेवलपमेंट ज्यादा करना है तो मुझे रिटेन अर्निंग ज्यादा करना पड़ेगा, डिविडेंड कम देना पड़ेगा। तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा जब भी हम डिसीजंस लेते हैं डिविडेंड, तो उस केस के अंदर मुझे देखना पड़ेगा कि लास्ट कितने ईयर से मैं क्या डिविडेंड दे रही हूँ, किस रेट पे दे रही हूँ, फ्यूचर में मुझे कितना देना चाहिए, फ्यूचर में अगर मेरा कोई इश्यू है, मुझे कोई कंटिजेंसी लग रही है तो मुझे यहाँ प्रॉफिट रिटेन करना पड़ेगा, उस केस में डिविडेंड कम देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। देखो रेट ऑफ डिविडेंड, डिविजिबल प्रॉफिट, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, टैक्सेशन क्या है, कितना टैक्स लग रहा है, लीगल कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने क्या देखी, इट्स अबाउट द डिसीजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड। तो ये चीज हमने यहाँ पे देख लिया कि फाइनेंशियल डिसीजंस में इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट में हमने बात की फिक्स्ड असेट्स की, फाइनेंसिंग में हमने बात की फाइनेंस रिलेटेड जो भी मैटर्स है, हमें सैलरी देना है, हमें कुछ पेमेंट करना है, हमें छोटे मोटे खर्चे करने हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएगा, वो आ जाएगा फाइनेंसिंग के अंदर। और डिविडेंड में तो नाम से ही पता है हमें डिविडेंड रिलेटेड मैटर्स होगा, बट ये सबको देखते हुए हमें ये कुछ फैक्टर्स है जो ध्यान में रखने होंगे। तो ये मेरा आज का आपका पार्ट वन, मैंने इसमें आपको चीजें बताई, दैट इज ऑल अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसमें हमने डेफिनेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस एंड फाइनेंशियल डिसीजंस हमने कवर किया है। तो ये सब चीजें मैंने बता दी आपको, होपफुली आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं स्टार्ट करूंगी, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर। ओके, तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।